हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो नाउ कंटिन्यू अवर चैप्टर 13 दैट हाइड्रोकार्बन्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हियर दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। सो एल्केन्स हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ वी विल डील इन दिस टॉपिक। सो फर्स्ट इज हियर दैट एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। एल्केन्स का जनरल नेचर क्या होता है? नॉन पोलर होते हैं। रीजंस भी आप बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाइड्रोजन्स क्या होता है? जनरली ग्रुप 17 जैसा भी बिहेव करता है और ग्रुप फर्स्ट जैसा भी बिहेव करता है, इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से इसका नेचर कैसा होता है? नॉन पोलर। वही हम बात करें कार्बन और कार्बन बॉन्ड, तो दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, तो ये भी क्या कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इसका मॉलिक्यूल जनरली क्या होता है? नॉन पोलर होता है। सेकेंड इज एग्जिस्टेंस की यदि हम बात करें, सो कार्बन बॉन्ड टू कार्बन फोर्थ। कार्बन बॉन्ड जैसे आप देख सकते हैं मीथेन, या फिर एथेन के फॉर्म में देखें तो C2H6 है। ये जनरली किस फॉर्म में होते हैं? गैसेस होते हैं। गैस सिलेंडर ऑफ फ्यूल होता है मीथेन गैस, वही एथेन गैस क्या होते हैं? ये भी यूज्ड होते हैं गैसियस फॉर्म। सो मान के चलो ब्यूटेन का गैसियस फॉर्म है, वही पेंटेन से लेकर 70 तक लिक्विड में होता है, और अप टू 18 कार्बन से जो ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? दैट आर सॉलिड। कुछ वैक्सी सॉलिड होते हैं, कुछ हार्ड सॉलिड होते हैं। ठीक है, दे आर कलरलेस एंड ऑडरलेस। इनमें पर्टिकुलर कोई कलर नहीं होता और नहीं कोई स्मेल होती है। अब जो क्वेश्चन आता है रिलेटेड इससे फिजिकल से, वो है सॉलिबिलिटी को लेकर। तो सॉलिबिलिटी के लिए हम बात करें तो देखिए नेचर्स का एक आपको टर्म याद कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर 4 में आई थी देख लिए थे कि नॉन पोलर जो होते हैं किसमें सॉल्युबल होते हैं? नॉन पोलर। जो पोलर होते हैं किसमें सॉल्युबल होते हैं? पोलर। जैसे मैंने एग्जांपल बताया पोलर की, जैसे NaCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, H2 ये भी पोलर है। देखिए सोडियम क्लोराइड क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल है, बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज पोलर मॉलिक्यूल, H2 इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल। वही हम बात करते हैं सपोज पेट्रोल की, तो पेट्रोल एक नॉन पोलर है और पेट्रोल एंड डीजल के लिए बात करें तो दोनों क्या नॉन पोलर है। सो नॉन पोलर नॉन पोलर में सॉल्युबल है। इस तरह हम देखें इसका नेचर भी क्या है? नॉन पोलर नेचर है, तो इसके वजह से वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक से वाटर, फोबिक में उसे वाटर से दूर हो, तो जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता उसको हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं। क्लियर। इस तरह से हम बात करें कि ये जो एल्केन्स है, एल्केन्स नॉन पोलर नेचर की वजह से नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम क्लियर और कुछ बेंजीन इनमें सॉल्युबल होते हैं, बट वाटर एचटीएसी एथेनॉल ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल नहीं होते। एक क्वेश्चन भी आता है जनरली यदि क्लॉथ में ग्रीस लग जाए उसको निकालने के लिए पेट्रोल यूज किया जाता है, तो रीजन ये है बिकॉज जो ग्रीस होता है वो हाइड्रोकार्बन है। ग्रीस क्या है? हाइड्रोकार्बन से। पेट्रोल क्या है? उसका नेचर क्या? नॉन पोलर है। और पेट्रोल का भी नेचर क्या? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर नॉन पोलर की वजह से वो इसको इजीली रिमूव कर देता है। इसको टाइप्स को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के इसको थोड़ा बेसिक भी रखेंगे। वही नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बॉलिंग पॉइंट। सो बॉलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन की बात करें तो CH4 C2H6 C3H7 ये सब क्या है हाइड्रोकार्बन। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट बॉलिंग पॉइंट ऑफ द अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर मासेस। तो जिसका मास ज्यादा हो उसका बॉलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। इन किलो में आप अरेंज करेंगे तो C3H7 उसके बाद आएगा C2H6 आफ्टर दे CH4 दैट है हाई बॉलिंग पॉइंट दैट है लो बॉलिंग पॉइंट। चूंकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन से बने तो हम उसको मास इमेज में अरेंज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये क्या होता है बॉलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्लियर दैट शेल हैड हायर बॉलिंग पॉइंट कंपेयर द ब्रांच ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया।
चयन का जो वॉल्यूम पॉइंट होता है ब्रांच के कंपेयर में ज्यादा होता है। जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2 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 CH3 वही है यहां पे अगर हम CH3 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 सो दैट हैव हाई वॉल्यूम पॉइंट कंपेयर टू ब्रांच। यहां मैंने नॉर्मल पेंटेन लिया है वही को मैंने नियो पेंटेन लिया। सो नॉर्मल पेंटेन का ज्यादा होगा। जल्दी आप देखेंगे वाटर को आप एक ग्लास में उबालते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और उसको यदि हम किसी बड़े फैले वाले थाली में भी हम करें उसको बॉइल करें आपको जल्दी बॉइल हो जाए क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है कम हो जाता है। इसी तरह से इसका एरिया बड़ा हो जाए तो ये ईजिली बॉइल हो जाता है और इसका एरिया कम है कि लेट से बॉइल होता है। इस तरह से चैन का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है कंपेयर टू ब्रांच में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट्स यदि कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टर्म याद होनी चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक अप हियर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गी। सो नाउ इन दिस टॉपिक वी विल डील द पॉइंट्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें आपको देखना है हैलोजिनेशन हैलोजिनेशंस जिसमें मैग्नीन को इंक्लूडेड है वही कंबसन ऑक्सीडेशन आइसोमराइजेशन एरोमेटाइजेशन रिएक्ट विद हिस्टीन एंड पाइरोलाइसिस ये सेवन रिएक्शन आपको डील करनी है। तो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो हियर रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन जनरली पढ़े हैं कि जो रिएक्टिव होता है इसके रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर, इसमें हम पढ़ते हैं हैलोजिनेशन। सो हैलोजिनेशन ग्रुप से हैलोजन्स का एडिशन। सो हैलोजन्स ग्रुप का एडिशन क्या कहलाता है हैलोजिनेशन। सो हैलोजन्स आर डिस्प्लेस टू हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम देयर हाइड्रोकार्बन्स एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड हैलोजिनेशन। दिस प्रोसेस जनरली होता है सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेल्फ रिएक्शन करने लगते हैं। CH3
that gives HCl. Again in step 4, CHCl, CLn, Cl. Chloroform combined with ClCl2. Chloroform is to identify the reaction water combined chloroforms react with chlorine. So, this is what you HN Cl. You may have a free radicals. This free radicals are take here. So, H cube in the presence of sunlight to presence में क्यों हो रहा है? चीज थोड़ा सा explain कर दें कि chlorine जो इस तरह के gases हैं, वे क्या होता है? उसके molecules से atomization हो जाता है, मतलब sunlight के presence में cell टूट जाते हैं, टूटेगा तो free radicals बनाएंगे, free radicals बनाते हैं तो फिर में ज़्यादा free radicals are more active होने की वजह से वो attack कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा C, Cl, 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 Cl+, HCl. इस तरह से देखें तो मीथेन गैस से क्या बन रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है। ये जो प्रोसेस है, यदि ये क्वेश्चन आ गया था, इस फॉर्म इसको कंप्लीटली बेच कर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजन्स का क्या होता है? एडिशन होता है। यदि ये क्लोरीनेशन आता है तो क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमिनेशन आता है तो ब्रोमिन लेना है, क्लोरीनेशन आता है तो क्लोरीन लेते हैं। जनरली क्लोरीन और फ्लोरीन ही सनलाइट प्रेजेंस में ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्लियर, इसलिए इसका रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो मैं डार्क ब्लू ब्लू को रख कर रिएक्शन करा सकते हैं, बाकी सब ही अंधेरे में रखते हैं तो रिएक्शन नहीं होता। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि क्लोरीन और फ्लोरीन सनलाइट में ही एक्टिव होते हैं, डार्क प्रेजेंस में एक्टिव नहीं होते, इसलिए क्लोरीनेशन और फ्लोरीनेशन जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में किया जाता है। सो हियर मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। अभी तो हमने उसको देखा कि किस तरह से HCl बन रहे थे और किस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स अटैक कर रहे थे, बट एक्चुअल में तो बहुत सारे क्लोरीन भी होते हैं और बहुत सारे मैथेन गैसेस भी हो सकते हैं, तब उसको हम स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। सो ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। इनिशिएशन, इनिशिएट मतलब स्टार्ट होना, प्रोपेगेट मतलब आगे बढ़ना, टर्मिनेट मतलब स्टॉप होना, एंड होना। सो इनिशिएशन के लिए रिएक्शन इनिशिएट बाय होमोलिसिस एंड फॉर्म फ्री रेडिकल्स। सो इस कंडीशन में प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो यहां लेते हैं क्लोरीन Cl एंड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट दो चीजों से ब्रेक होती है, तो हीट करने से ब्रेक होती है या फिर सनलाइट से, क्योंकि ज्यादा एक्टिव होते हैं सनलाइट से ब्रेक हो जाते हैं, जैसे फ्लोरीन है क्लोरीन से। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन में थोड़ा रिएक्शन स्लो होता है, उनको हीट करना पड़ता है, क्लियर। सो यहाँ पर देखिए हम इस कंडीशन में होमोलाइट फ्यूजन्स के थ्रू बनाएंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। यहाँ लिख सकते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप में क्या बना? होमोलाइसिस फ्यूजन से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स है, सेकंड में अटैक करता है मीथेन ग्रुप। सो यहां H अटैक करा ये इसका CH, क्लियर। अब यहां पे क्या हुआ? CH जो है वो H के साथ कंबाइन हो गया और क्या बना लिया? C ये बन जाएगा HCl बन गया और बचा क्या यहां पे? CH3। अब इसका जो फ्री रेडिकल्स है वो कहां पे आ गया? कार्बन के ऊपर। यहां बना मीथेन फ्री रेडिकल्स। क्या बना? मीथेन फ्री रेडिकल्स। अब ये जो मीथेन फ्री रेडिकल्स CH3 ये अटैक करेगा फिर से किसी क्लोरीन के ऊपर। सो ये क्लोरीन का रिंग जो बना ले, क्या बन गया? CH3Cl बन गया। ये जो फ्री रेडिकल है वो कहां पे आ जाएगा? दूसरे क्लोरीन में। देखिए एक ही से कितने प्रोसेस आगे बढ़ रहे हैं। सो यहां पर ना Cl3 रेडिकल। इस तरह से आप फिर से रिएक्शन को लिखते हैं वहां पे, तो ये बन जाएगा जो CH3Cl प्लस ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। इसके फिर एक हाइड्रोजन को ले लिया तो यहां फिर बनेगा CH2Cl2H, CH2Cl2 Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन। इस तरह हम रिएक्शंस में देखते हैं तो क्या क्या बनते जा रहे हैं? एक तो मिथिल फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बनते जा रहे हैं, मतलब प्रोसेस कंडक्टेड होने जा रहा है, फिर से दूसरे में एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से प्रोसेस फॉलो हो रहा है। तो इस प्रोसेस में देखिए प्रोपेगेशन में से फ्री रेडिकल्स का आगे बढ़ना,
पहले क्लोरीन में था, फिर मीथेन में आ गया, मीथेन से फिर दूसरे क्लोरीन में गया, फिर CH2CN में चला गया। इस तरह से उसका प्रोपेगेट हुआ, आगे बढ़ना, प्रोपेगेशन। क्लियर? तो ये प्रोसेस का नाम था प्रोपेगेशन। क्या बोल प्रोपेगेशन? सो इनिशिएशन में कुछ स्टार्ट होना, स्टार्ट होता है क्लोरीन से, फिर फ्लूइड आगे बढ़ते हुए जाता है इस तरह से। अब हम बोलते हैं कि स्टॉप कैसे होता है, दो कंडीशन होते हैं। एक तो है कि रिएजेंट का खत्म होना, यदि पूरा क्लोरीन खत्म हो जाए, मीथेन खत्म हो जाए, तो रिएक्शन स्टॉप होगा। सेकेंड है कि कुछ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, जैसे जो क्लोरीन और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स है, एक दोनों का माइंड से आप बना सकते हैं CH2, ये पहला ऑप्शन। दूसरा इसी में बात करें कि जो मेथिल फ्री रेडिकल्स है, मेथिल एंड मेथिल फ्री रेडिकल्स, ये दोनों भी कंबाइन होकर बना सकते हैं C2H6 बना सकते हैं, तो रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। सेकेंड थर्ड कंडीशन है जो रिमेनिंग CH3 रेडिकल्स है और क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, ये दोनों में क्या बना सकते हैं, CH3Cl बना सकते हैं। सो इन तीनों ऑप्शंस के थ्रू आपका ये रिएक्शन टर्मिनेट हो सकता है, या तो पूरे रिएजेंट कंज्यूम हो जाए, खत्म हो जाए तो है, या फिर क्लोरीन बचे हुए क्लोरीन और क्लोरीन का बाइंड होकर CH2 बना लें, बचे हुए मेथिल से मेथिल का बाइंड होकर CH2H6 बना लें, या यदि इक्वल नंबर में मेथिल और इक्वल नंबर में क्लोरीन तो क्या बना सकते हैं, मेथिल क्लोराइड बना सकते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और मैकेनिक भी जनरली एग्जाम में आता भी है, तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा नोट कर लेंगे मैकेनिक को। क्लियर? सो इसी टॉपिक में और पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स एंड फ्री रेडिकल्स। अब आपको हैलोजिनेशंस के तो क्या होते हैं, कौन इसकी हैलोजिनेशंस करते हैं, जैसे मैं यदि बात करूँ CH4 की, अब आपके पास ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें हाइड्रोजन को कौन इजली रिमूव करेगा, सो इसके लिए रिएक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स, आपका भी क्लोरीन, आपका भी ब्रोमीन, आयोडीन। इसके साथ रिएक्शन कराओगे ये स्लो होता है, इसमें रिएक्शन कराओगे फास्ट होता है। यहाँ तक यही बोलते हैं कि फ्लोरीन को यदि सनलाइट में ओपन कर दो मीथेन का जाल, तो वो जो है वायलेंट हो जाता है, मतलब अनकंट्रोलेबल रिएक्शन होने लगता है। बिल्कुल सही, यदि हम लिखते हैं CH4+H2, तो इस कंडीशन में क्या बना, HF+CH3A, दैट रिएक्शन इज टू मच फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन। CH4+I2 के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो ये हो जाएगा CH3I+HI, दैट इज इन स्लो रिएक्शन। मुझे रिएक्टिविटी किस क्या रहा है, फ्लोरीन से आफ्टर दे क्लोरीन, आफ्टर दे क्लोरीन, आफ्टर दे हाइड्रोजन, ये तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन से। बट यदि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी, टर्शियरी भी, क्लियर, तो इसको हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हाइड्रोकार्बन की, उसकी फ्री रेडिकल्स स्टेबिलिटी पे, तो सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी का, सेकेंडरी का, आफ्टर दे प्राइमरी का। बिल्कुल सही कहने का मतलब ये है, यदि आपके पास CH3 इस तरह का कोई पूछा और वही यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है CH3, CH2, CH3, अब दोनों में मैं सबको रिएक्शन कराता हूँ CN2 और CN, पहला चॉइस ये हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन बदल सकते हैं, दूसरा चॉइस ये है कि हैलोजन बदल सकते हैं। तो हैलोजन से भी बदलते हैं तो आपको कंपेयर करना है कि कौन सा होता है, क्लोरीन हुआ तो रिएक्शन फास्ट होगा, इधर स्लो हो जाएगा। यदि सेम क्या हो हाइड्रोकार्बन, यदि हाइड्रोकार्बन बदल गया हाइड्रोजन से तब रिएक्शन क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको देखते हैं कि कौन से है, ये टर्शियरी है और ये वाला प्राइमरी है, तो रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, इसमें रिएक्शन जो है फास्ट होगा, यहाँ भी रिएक्शन क्या होगा स्लो होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो है वो टर्शियरी के लिए ज्यादा होती है, आप करते सेकेंडरी, आप करते प्राइमरी। क्लियर? यहाँ का जो फ्री रेडिकल होगा वो ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होने की वजह से इजिली क्लोरीन के साथ कंबाइन हो सकता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी रिएक्शन को कल डील करेंगे। ओके, थैंक यू।